एट देखिए यहाँ भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिया है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो देखो मैं क्या करता हूँ मैंने आपको प्रॉपर्टी तो बताई रखी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वह पाई बाय टू के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू वन ठीक है चलिए तो अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इन एक्स तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह पर कॉस इनवर्स एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स इसके अकॉर्डिंग तो फोर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ देखो पाई माइनस पाई बाई टू हो, हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का इधर आके माइनस होगा तो फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ पे घटा देंगे पाई बाई टू हो जाएगा पाई में से पाई बाई टू घटाए तो पाई बाई टू आ गया ना सब ट्रेक्ट किए तो यहाँ पे आ गया थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाई टू तो यहाँ से आपका साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा पाई के इक्वल हो जाएगा ये जाके डिवाइड में आएगा तो पाई बाई सिक्स के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ एक्स इक्वल टू में क्या आएगा साइन पाई बाई सिक्स तो साइन पाई बाई सिक्स डिग्री एंड थर्टी डिग्री का वैल्यू होता है वन टू। समझ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर